क्लास टेंथ सब्जेक्ट हिंदी, आपका तीन भागों में डिवाइड है, काव्य खंड, गद्य खंड, संस्कृत खंड। काव्य खंड में टोटल 9 मार्क में आता है, जिसमें 6 नंबर में एक पदांश करना होता है। पदांश का संदर्भ प्रसंग, व्याख्या, काव्य का सौंदर्य, और 3 नंबर में कोई एक कवि का जीवन परिचय और उनकी एक रचना लिखनी होती है। तो काव्य के अंतर्गत पहला लेशन आपका पद है, जो सूरदास जी द्वारा रचित है, और ये पद लेशन भी सूरदास जी के ग्रंथ सूर सागर से लिया गया है। तो संदर्भ लिखने से पहले प्लीज पदांश पे ध्यान देंगे। तो चलिए बच्चों, इसको गाते ही पढ़ लेते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंग गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बैरो सुने गूंग पुने बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा मई, बार बार बंद होती पाई। अब आपको बच्चों क्या करना है, इस पैरा के, इस पदांश के 2 शब्द लिखेंगे, डॉट डॉट लास्ट के 2 शब्द लिखेंगे, फिर आपको संदर्भ डालना है, और संदर्भ में बोल रहा हूं लिखेंगे आप, प्रस्तुत पदांश सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। अब आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में बच्चों पदांश का संदेश लिखना होता है कि इस पदांश का संदेश क्या है, इस पदांश का मेन पॉइंट क्या है। तो दूसरा हेडिंग डाल लीजिए प्रसंग, और प्रसंग भी बोल रहा हूं मैं आपको। इन पंक्तियों में सूरदास जी बताते हैं कि प्रभु कृपा ईश्वर की महिमा असंभव को भी संभव बना देती है, असंभव को भी संभव कर देती है, यही इस पदांश का संदेश है। फिर तीसरा हेडिंग आपको डालना है व्याख्या, और व्याख्या में बच्चों व्याख्या लिखने से पहले समझेंगे, सूरदास जी कहते हैं चरण, चरण, चरण माने होता है चरण, चरण माने होता है पैर, कमल मीन कमल, कमल के समान पैरों की, बंदो मीन वंदना करता हूं, हरि मीन भगवान श्री कृष्ण, राई मीन जो राजा है, राई मीन जो राजा है, मथुरा के राजा है। तो प्लीज इस पदांश में सूरदास जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो मथुरा के राजा है, मैं उनके कमल के समान पैरों की वंदना करता हूं। अब देखिए बच्चों, यहां चरण कमल में रूपक अलंकार है। नेक्स्ट, जाकी कृपा पंगिर लंघे, जाकी मीन जिनकी, अर्थात श्री कृष्ण की कृपा मीन कृपा, पंग मीन लंगड़े व्यक्ति पर हो जाए, यदि श्री कृष्ण जी की कृपा लंगड़े व्यक्ति पर हो जाए तो वह गिरी मीन पहाड़ को लंगे मीन फांद जाएगा, कूद जाएगा, अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई मीन दिखने लगेगा, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखने लगेगा, बैरो सुने बैरा व्यक्ति सुनने लगेगा, गूंग पुने बोले गूंगा व्यक्ति बोलने लगेगा, रंक माने भिकारी, रंक माने गरीब व्यक्ति, यदि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा भिकारी पर हो जाए तो वह चले मीन चलने लगेगा, शिर मीन शिर पर, छत्र मीन मुकुट, धराई मीन धारण करके, तो वह अपने शिर पर मुकुट धारण करके चलने लगेगा, अर्थात वह राजा बन जाएगा। सूरदास स्वामी करनामे, करनामे मीन दया करने वाले स्वामी की, सूरदास जी कहते हैं जो दया के सागर भगवान श्री कृष्ण जो मेरे स्वामी हैं, मैं बार बार मीन बार बार बंदो मीन वंदना करता हूं, ताई मीन
उनके पायमीन पैरों की, इसीलिए मैं उनके पैरों की बार बार वंदना करता हूँ। फिलहाल इस पहरा का, इस पदांश का मैं अर्थ दोबारा से बोल रहा हूं, आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे व्याख्या हेडिंग डालकर। इस पदांश में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो मथुरा के राजा हैं, मैं उनके कमल के समान पैरों की वंदना करता हूँ। यदि उनकी कृपा लंगड़े व्यक्ति पर हो जाए तो वह पहाड़ लांग जाएगा, कूद जाएगा, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगेगा और बैरा व्यक्ति सुनने लगेगा और गूंगा व्यक्ति बोलने लगेगा और भिखारी सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगेगा, अर्थात वह राजा बन जाएगा। इसीलिए सूरदास जी अपने करुणा के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी की, श्री कृष्ण जी के पाई पैरों की बार बार वंदना करते हैं। ये आपकी व्याख्या क्लियर हुई और उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, काव्यगत सौंदर्य ये ग्रामर का पॉइंट है, ग्रामर पढ़ाएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। काव्यगत सौंदर्य में पहला नंबर डालेंगे आप अलंकार। इस पदांश में कहां कौन सा अलंकार है? अलंकार तो बच्चों इसमें कई अलंकार हैं। नंबर एक चरण कमल में रूपक अलंकार है। चरण कमल में रूपक अलंकार है, रूपक मेटाफर। तो आप समझेंगे चरण कमल में रूपक अलंकार क्यों है। रूपक अलंकार कब होता है? जहां उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है वहां रूपक अलंकार होता है। मतलब जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है वहां रूपक अलंकार होता है। फिलहाल उदाहरण के माध्यम से, राणा प्रताप युद्ध में शेर थे, राणा प्रताप युद्ध में शेर थे। तो बच्चों राणा प्रताप मनुष्य जाति से हैं, शेर पशु जाति से है, तो दोनों की जातियां जो है वो भिन्न है, दोनों का जो धर्म है वो भिन्न है। लेकिन राणा प्रताप को किसका रूप दे दिया गया है? शेर का। जब दो भिन्न चीजों को, चीजों में से पहली को दूसरी का रूप दे दिया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक और उपमा अलंकार में बस थोड़ा सा ही अंतर है, रूपक के साथ साथ उपमा भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अभी एक सेंटेंस में बोलूं, राणा प्रताप युद्ध में शेर के समान थे, मतलब शेर नहीं थे, शेर के समान थे। तो यह दो भिन्न है राणा प्रताप और शेर, बट दोनों की तुलना की गई है और तुलनात्मक शब्द के समान का यूज हुआ है, या राणा प्रताप युद्ध में शेर के जैसे थे, जैसे थे तो जैसे तुलनात्मक शब्द आ गया। अब इसी लाइन में राणा प्रताप युद्ध में शेर के जैसे थे, इसी लाइन में सिमिली अलंकार हो गया आपका, उपमा अलंकार हो गया। और हम तुलनात्मक शब्द हटा दें जैसे और के समान, तो फिर इसी लाइन में राणा प्रताप युद्ध में शेर थे, रूपक अलंकार हो गया। बस इतना ही अंतर है रूपक अलंकार और मेटाफर में और सिमिली में। दूसरा है आपका सूरदास स्वामी में अनुप्रास अलंकार। सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तीसरा है आपका बार बार, तो लिखेंगे बार बार में पुनरुक्ति
प्रकाश अलंकार है। बार बार में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहां होता है? जब कोई शब्द दो बार आए, जैसे बार बार, जब कोई शब्द दो बार आए लेकिन उसका अर्थ दोनों बार सेम रहे, समान रहे, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। दूसरा उदाहरण देके मैं बता देता हूं, जैसे धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, तो यहां धीरे धीरे शब्द आया है, तो धीरे धीरे शब्द का दोनों बार अर्थ समान है, इसलिए धीरे धीरे शब्द में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो काव्य का सौंदर्य में पहला पॉइंट हुआ आपका अलंकार। दूसरा पॉइंट भाषा। तो बच्चों इस पद्यांश की भाषा है आपकी विरज। तीसरा पॉइंट हुआ रस। इसका रस क्या है? भक्ति। चौथा पॉइंट हुआ आपका गुड़। गुड़ क्या है इसका? प्रसाद। तो बच्चों प्रसाद गुड़ कहां होता है? प्रसाद गुड़ किसी पद्यांश में प्रसाद गुड़ कब होता है? जब उस पद्यांश को पढ़ने से ही अर्थ समझ में आ जाए, तो उस पद्यांश का जो गुण होता है, जो उस पद्यांश की जो क्वालिटी होती है, वो प्रसाद होती है। तो इस पद्यांश का जो गुण है वो प्रसाद है। पांचवा छंद। ये छंद कैसा है? ज्ञात्मक, केवल गाकर पढ़ा जाने वाला। छठा शब्द शक्ति। इस पदार्थ की शब्द शक्ति क्या है? लक्षणा। तो बच्चों इस पदार्थ की शब्द शक्ति शब्द शक्ति लक्षणा है। शब्द शक्ति एक्चुअली ये मैं आपको ग्रामर में ही क्लियर कर पाऊंगा, फिर भी मैं बता देता हूं लक्षणा शब्द शक्ति कब होती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की शेरनी थी, या कैलाश तो गधा है। तो बच्चों यहां गधा और शेरनी के विशेष अर्थ हैं, इसलिए यहां इन दोनों एग्जाम्पलों में लक्षण शब्द शक्ति है। सातवां पॉइंट है आपका शैली। शैली क्या है इस पदार्थ में? मुक्तक। शैली शैली क्या होता है बच्चों? शैली कहते हैं उसकी भाषा शैली अच्छी नहीं है, मतलब उसका बोल उसकी बोलने की जो शैली है वो अच्छी नहीं है, या उसकी बोलने की शैली बहुत अच्छी है, उसकी लिखने की शैली बहुत अच्छी है। तो बोलने की शैली, लिखने की शैली, यही शैली है ना? तो इसकी शैली क्या है? मुक्तक है, या मुक्त होके लिखा है कभी, मुक्तक शैली है। बाकी डिटेल आपको ग्रामर में बताएंगे। आज बस इतना ही। थैंक सो मच।